तो इतना घबराने की बात क्या है? ऐसे हेलमेट और ऐसे घंटे और आंसू गैस के गोले लेके घर है जैसे कोई आतंकवादी आ गए। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के ऊपर तो कहीं ना कहीं फूल बरसाते हैं और प्रदेश के किसानों के ऊपर लाठियां और गोलियां बरसाते हैं। इस देश के अंदर जिस प्रकार की सरकार है, इस प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की सरकार है, देश में एक रंगा और बिंदा की सरकार चल रही है, तो इस प्रदेश के अंदर एक नकली मामा की सरकार चल रही है। जब मैंने मामाओं की कहानी भी पता करी तो इस हिंदुस्तान का सबसे प्रसिद्ध मामा निकला कंस मामा निकला और दूसरा मामा निकला शकुनी मामा निकला। और कंस और शकुनी के मरने के बाद उन दोनों की काबिलियत लेके कोई निकला है तो ये शिवराज मामा है। ये कंस और शकुनी के वंशज के रूप में इस प्रदेश के नौजवानों के अपने भांजे भांजी जिनको कहता है उनकी लगातार हत्या कर रहा है। मैं कहने आया हूँ कि उस किसान की हत्या जो तुमने करी है उस किसान की हत्या की बात नहीं है, प्रदेश के नौजवानों की 18,000 किसानों की हत्या हुई है। लगातार किसान और गरीब अपने दिल की समस्या के लिए मर रहा है। गरीबों को तो राशन कार्ड मिल रहा है।